दोस्तों नमस्कार। धनतेरस की सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में 29 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह यहाँ पर जानकारी हम आपको विस्तृत तौर पर देने का प्रयास करेंगे। नो डाउट ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आप इस सीरीज से पहली बार अगर जुड़े हैं तो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से बरकरार रख सकते हैं। ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था आपसे, ये प्रश्न था कि केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। बताएं कि इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। देखिए जो सारी बातें इससे निकलकर आई थी पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ये 256 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न पे। अच्छा उससे पहले यहाँ पर एक अपडेट आप सबको दे दूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, आपका थोड़ा समय लेंगे, ध्यान से इसको सभी लोग सुनिएगा। देखिए जो आप लोगों को मालूम है कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स का एक कोर्स संचालित होता है, जहाँ पर तमाम स्टडी मटेरियल नोट्स वीडियो क्लास आदि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि पिछले 2 दिन में हमने अपडेट आपको दिया था कि करंट अफेयर्स का एक एडवांस कोर्स लॉन्च हुआ है, जो कि बायलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी में वहाँ पर तमाम चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन पर हमें कुछ चीजों को लेकर आपत्ति महसूस हुई कि करंट अफेयर्स का 2 कोर्स होना एकदम से उचित नहीं है, तो इस वजह से इसमें हमारी टीम ने या फिर हमने इसे संशोधित करते हुए करंट अफेयर्स का एक ही कोर्स रखा है। मतलब ये बायलिंगुअल तो होगा लेकिन एक ही कोर्स होगा, चाहे अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में चीजें आप यहां से प्राप्त करेंगे, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो यह अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा, यानी कि बायलिंगुअल होगा, वहां पर दोनों विकल्प आपके समक्ष रहेंगे। ये तमाम बेनिफिट आपको दिख रहे हैं और इसमें नई नई चीजें हमने ऐड किया है। करंट अफेयर्स में हम आपको इतना बेहतर बना देंगे, खास करके किसी भी एग्जाम के उदाहरण में, अगर बीपीएससी ही एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो 35 से 38 प्रश्न यहां पर जो देखने को मिलेंगे एग्जाम में, संभवतः यह मान के चलिए कि सभी प्रश्नों को एकदम 100% आप एकदम राइट हल करके आएंगे। इस सीरीज की ये विशेषता है, इस कोर्स की ये विशेषता है। इस दिशा में हम पूरी निरंतरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं और एकदम लगे हुए रहेंगे। जो लोग एप्लीकेशन पे कोर्स लिए हुए हैं, कोर्स के साथ बने रहिएगा, तमाम जो मेटेरियल आपको मिल रहे हैं उसका भरपूर लाभ उठाइएगा। आप हो सके तो उसे प्रिंट कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। और जो रिविजन के लिए हमने इतनी मेहनत से एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है करंट अफेयर्स का, उसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो कि आगामी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए अब यहां पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी हालिया अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट में बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार के मौजूदगी की पुष्टि की है। देखिए इस तरह की पुष्टि पहले भी कई दफा हुई है, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट जो आई है, जो पुष्टि हुई है, दरअसल आपको ध्यान रखना बिहार के 9 जिलों में। इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी। अब डिटेल जानकारी आप सबों के बीच है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के 9 जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। दरअसल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, भोजपुर, गया, नालंदा और नवादा जिला इसमें शामिल है। तो कुल मिला के 9 जिलों में इसकी पुष्टि किया गया है, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की तरफ से। ये आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, जिले कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक दो पॉइंट और भी है, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार सरकार को सौंपे गए इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में तांबा, जस्ता, बेसकीमती पत्थर, अब्रक, चूना पत्थर और अन्य खनिज पदार्थों का भंडार है, जिसके बाद सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बिहार एवं झारखंड के कुल 15 जिलों में खनिज संसाधनों का पता लगाने की अनुमति दी है। बिहार के नौ और खास करके झारखंड की बात करें तो झारखंड के 6 जिलों में इसको पता लगाने की अनुमति दी गई है, जो सर्वेक्षण में ये तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा कुछ समय पहले जमुई को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, जमुई यहाँ पर भी अभी भी आपको दिख रहा है। केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत में या फिर पूरे भारत का 44% जो सोना है वो जमुई में है, जमुई जिला में है। देखिए जब 15 नवंबर 2020 को ये डेट आपको ध्यान
ध्यान रखना, 15 नवंबर 2021 को झारखंड का बंटवारा हुआ था, यानी कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था, स्वतंत्र राज्य बना था। तो वहाँ पर यह देखने को मिला कि जो खनिज संपदाएं थी बंटवारे के फलस्वरूप, वो लगभग 80% से ज़्यादा समझिए कि वो झारखंड के हिस्से में चले गया, बिहार के हिस्से में एकदम नाम मात्र की चीज़ रही, ठीक है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से सर्वे हुई है, सर्वेक्षण हुआ है, बहुत सारे रिपोर्ट भी ये कहती है कि बिहार में भी अपार संभावनाएं हैं, जल्द ही इसकी पुष्टि भी कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी बातें। अब आगे हम बढ़ेंगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किन की अध्यक्षता में आयोजित सचिवालय स्तरीय राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 2 करोड़ से अधिक के 7 निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, आपको यहाँ पर पूछा गया किन की अध्यक्षता में, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वंदना प्रेषी की अध्यक्षता में। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि सचिवालय स्तरीय राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 24 अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में 2 करोड़ से अधिक के 7 निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि इन प्रस्तावों में करीब जो निवेश को लेकर जो संभावित बातें कही गई है, वो जो राशि है तकरीबन 37 करोड़ के आसपास है, 36.52 करोड़ है, जिसे कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली आगामी राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में भेजने की अनुशंसा की गई है। वहाँ से इन निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया जाएगा, जिसके बाद इसका कस करके इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे आपको बता दूं कि उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेषी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई थी, जहाँ पर खास तौर पर जो खास करके यहाँ पर जो लिखा गया है मनियारपुर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन सारे कंपनियों को, खास करके इनकी जो इकाइयाँ हैं, इनको रिकमेंडेशन यानी कि अनुशंसा प्रदान की गई है। फिलहाल यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम पर्पज से ये तमाम बातें जो हमने आपको बताया है, ये सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, वंदना प्रेषी को लेकर भी कई सारे प्रश्न हालिया बने हैं। आपको मालूम होगा अगर आप इस सीरीज से रेगुलर बने हुए हैं, तो तमाम चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, जैसे कि हम उद्योग की बात कर रहे हैं, उद्योग व्यापार की बात अगर हम करें एकदम से विस्तार में, आपको स्टार्टअप को लेकर हमने जानकारी दिया था, ये पहली बार था जब इस तरह की घोषणा बिहार सरकार द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये इसका पहला संस्करण था। यहाँ पर इस वाले पॉइंट से शुरू कीजिए। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। ये पहली बार इस तरह का पहल किया गया, और उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग, आपको ध्यान रखना, 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। तत्कालीन जो उद्योग मंत्री थे वे थे समीर कुमार महासेठ, इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपको ध्यान रखना, वर्तमान में जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं वो कौन है, तो नीतीश मिश्रा है, लेकिन जब ये घोषणा हुई थी उस समय कौन थे, समीर कुमार महासेठ। अच्छा, इसमें ओवरऑल जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, स्वास्थ्य कैटेगरी से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा स्थान मिला वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड को, तीसरा स्थान मिला वीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड को, यहाँ पर वो कैटेगरी भी ब्रैकेट में लिखा गया, ध्यान रखेंगे। ये तो रही बात ओवरऑल जो पुरस्कृत किया गया प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से, लेकिन विभिन्न वर्गों में प्रथम पुरस्कार की बात करें तो कृषि में एग्रिक्स एग्रोटेक को प्रथम पुरस्कार मिला, सूचना प्रौद्योगिकी में गोद्रिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड को, ई कॉमर्स में फ्लोशिप को, ई व्हीकल में इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव को सम्मानित किया गया प्रथम पुरस्कार से, विभिन्न कैटेगरी में ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी में एक और कैटेगरी है, बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का जो पुरस्कार मिला वो ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को मिला, जिसकी संस्थापक आस्था सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो फिलहाल बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के संदर्भ में ये तमाम बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और मैं पुनः से बोल रहा हूँ ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले देखिए, जो लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिवाली आप सभी के लिए एक ऑफर है, बीपीएससी वाले कोर्स में जाके, जो बीपीएससी वाला कोर्स आपको दिखेगा पेड कोर्स में, वहाँ पर कोर्स परचेज करते समय इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा DEEP70, जहाँ पर इसके अप्लाई होने के बाद महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, करेंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर आदि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इस कोर्स में आपको करेंट अफेयर्स का भी पैकेज मिल जाएगा। तो बीपीएससी वाले कोर्स को केवल और केवल आप 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं
4 नवंबर 2024 तक ये वैध होगा इस तिथि तक, जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प में या फिर इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, जो नाम आपको दिख रहा है ये पूछा गया है, ये कहाँ की है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए बात हो रही है हस्तशिल्प पुरस्कार की, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया, लेकिन ऐसी ही जानकारी हमने आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर दिया था। आइए एक नज़र इसको बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा 2024 की यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी 15 जून 2024 को। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है घोषणा के अनुसार जो युवा पुरस्कार के लिए नामों की घोषणा हुई 23 लेखकों को, जबकि बाल साहित्य में 24 लेखकों को लेकर घोषणा हुई थी। अब यहाँ पर बिहार के संदर्भ में यह ध्यान रखेंगे, इसमें बिहार से मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिंकी झारिस्का को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, और वे मधुबनी के ननौर की रहने वाली है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तो बात यहाँ पर रही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की, लेकिन बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो वरिष्ठ लेखक कवि कथाकार नारायण जी, जिन्हें आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, इनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, और ये भी मधुबनी के रहने वाले हैं, मधुबनी के घोघर डीहा के। तो ये बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा 2024 को लेकर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की दोनों कैटेगरी की जानकारी आपके समक्ष है। अच्छा कंप्लीट चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 विजेता 23 नाम की जो घोषणा हुई संस्कृत को लेकर नहीं हुई थी, ये कहा गया था इसकी घोषणा बाद में हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बाल साहित्य पुरस्कार विजेता की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट सूची। अच्छा जो मैथिली भाषा को लेकर खास करके हम आपको बतला रहे थे, आप यहाँ पर देखेंगे रिंकी झारिसी का युवा पुरस्कार विजेता के अंतर्गत, जबकि वहीं पर आगे आपको दिखेगा नारायण जी जो कि मैथिली के मतलब मैथिली भाषा के लिए सम्मानित हुए, मतलब यहाँ पर ये समझिएगा प्रत्येक भाषा में एक मतलब इससे सम्मानित होते हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं में बिहार से मैथिली भाषा में आपको दिखेगा नारायण जी। अच्छा कम से कम इतना आप लोग कीजिएगा, ये तो बहुत लंबा आपको दिख रहा है, लेकिन एग्जाम पर्पज से मैथिली तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसके अतिरिक्त हिंदी वाला आप ध्यान रख लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी ये दो खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है, और संभव हो तो बंगाली वाला भी, यही चीजें एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहां पर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी कोयला चालित बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है, अर्थात कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने अभी हाल ही में जो आधिकारिक तौर पर देखें तो जो रिपोर्ट करती है जो आखिरी कोयला से संचालित होने वाले संयंत्र थे उसको बंद कर दिया, और ऐसा करने वाला अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जिन्होंने कि जो खास करके कोयला से विद्युत उत्पादन की जो परंपरा है वो अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये ध्यान रखिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा आज के इस वीडियो में उतना हम आपको डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो चीज़ें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ठीक है फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा इसका राइट आंसर है, तो यूनाइटेड किंगडम। आगे आते हैं पांचवें प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मारिया शरापोवा और ब्रायन ब्रदर्स ने या फिर इनको हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर पूछा गया किस देश के मारिया शरापोवा और ब्रायन ब्रदर्स ने, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि अमेरिका के। इन सभी को आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा एक टर्म यहां पर यूज हुआ है हॉल ऑफ फेम, आपको मालूम होगा दो से तीन दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था ICC हॉल ऑफ फेम के बारे में, जिनमें एक नाम भारत का आपको देखने को मिलेगा, 3 नामों की घोषणा हुई, वो जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं पढ़ा चुके हैं, उनमें भारत से ये नीतू डेविड का नाम आपको देखने को मिला होगा जो हमने आपको पढ़ाया, नीतू डेविड को यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न ये अराइज होता है कि नीतू डेविड ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है ध्यान रखेंगे, लेकिन पहला कौन है, तो डायना एडुलजी, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं।
तो ये महिला क्रिकेटर वर्ग में ये सारी बातें हुई। लेकिन पुरुष क्रिकेटर वर्ग में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा नाम आपको दिखेगा, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। ये सभी को ध्यान रखिएगा, पिछली बार सचिन तेंदुलकर को ही ये सम्मान दिया गया था, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इन सभी को तस्वीर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि विभिन्न खेलों में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले मेजर ध्यानचंद या फिर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को खेल मंत्रालय ने बंद करने की घोषणा की है, इसकी जगह अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। अब पूछा गया कि बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के संदर्भ में। तो राइट जो आंसर है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी खेल मंत्रालय भारत सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये बंद किया जाएगा और इसकी जगह पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा या फिर इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के संदर्भ में ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चीजें आपको पढ़ाया गया है। 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो सबसे बड़ा पुरस्कार देखने को मिलता है 2023 की विजेता सूची में, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें मिला 2024 में 2023 में, ये अशोक कुमार को दिया गया, यही ध्यान रखना आपको। और इसके अतिरिक्त वर्ष का जो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत आपको ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला हार्दिक सिंह को, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का कप्तान मिला सलीमा टेटे को, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला PR सिरजेस को। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरी है, सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी और भी दे दूँ, 11 नवंबर से 20 नवंबर तक जो राजगीर खेल परिसर में जो खास करके महिला चैंपियनशिप का आयोजन होगा हॉकी का, आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार है जब बिहार की धरती पर ऐसा आयोजन होना है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप, और ऐसे में इसको लेकर हमने बताया था, इसका शुभंकर जारी किया गया और आपको मालूम होगा वो शुभंकर का नाम क्या है, तो गुड़िया नाम है। ये किससे प्रेरित है, बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित है। अच्छा, वो जो ट्रॉफी है उस प्रतियोगिता की अभी पूरे बिहार दौरे पर है, वो सभी जिले में भ्रमण कर रही है, इनकी प्रकार से देखें तो वो यात्रा पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे महिला खिलाड़ियों को लेकर, खास करके यहाँ पर देखें इस प्रतियोगिता के संदर्भ में, तो भारतीय महिला टीम की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में इसमें 18 खिलाड़ी को शामिल किया गया है, इसकी जानकारी हम कल वाले वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, और महिला टीम की कप्तान कौन है, तो सलीमा टेटे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में यहां पर प्रतियोगिता का आयोजन होगा राजगीर में। ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार कानून व्यवस्था के मामले में 142 देशों में भारत को 0.50 स्कोर के साथ कौन सा स्थान मिला है। देखिए, कुल मिला के 142 देशों में भारत को स्थान मिला है 79वां, यानी कि 79th पोजिशन है भारत का। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज ये समझिएगा, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क है। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के संदर्भ में ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल भारत का जो रैंक है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अच्छा, आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, पिछले बार जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये तो सभी लोग याद रख लेते हैं कि रैंक क्या है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये स्कोर पूछ लिया गया था, कितना अंक या फिर कितना प्रतिशत है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बनते हैं और क्वेश्चन तैयार करने वाले इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं कि किस तरह के क्वेश्चन उन्हें यहाँ पर सेट करना चाहिए एग्जाम में, ताकि बच्चों को वहाँ पर थोड़ा बहुत उलझा जा सके किसी किसी प्रश्न में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही आपका समय बर्बाद करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि ये होगा ये होगा, वहाँ पर बहुत समय आपका निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत फैक्टर करता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सामंजस्य स्थापित करते हुए बेहतर बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि 120 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप प्रश्नों को देखेंगे, वो जो सिचुएशन होगा, पता ही नहीं चलेगा कि 120 मिनट कब गुजर गया। इसीलिए कहते हैं, पुरानी एक कहावत है, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है। ठीक है, जब उसी प्रकार के एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एग्जाम देंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे, तो आप एकदम से उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे।
ये चीज़ समझिएगा, आपके लिए हम इतनी मेहनत से एप्लीकेशन पे टेस्ट लाए हैं। आप एप्लीकेशन के जरिए या फिर उसी आईडी पासवर्ड से आप हमारे जो वेबसाइट है bpscmaker.com उसके थ्रू भी आप टेस्ट देके एकदम रियल टाइम फील ले सकते हैं। आपको लगेगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। अब 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुनः किन्हें भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, जिनका जो कार्यकाल है वो प्रभावी होगा 1 जनवरी 2025 से, और ये कब तक रहेगा? तो 31 दिसंबर 2027 तक। ये पुनः यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसके साथ ही एक हिंट हमें मिल जाता है कि इस पद पर पहले यही थे। इनका नाम आप लोगों को मालूम होगा, अमिताभ चौधरी, ठीक है, इन्हीं की नियुक्ति पुनः से हुई है। तो एक शब्द के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अमिताभ चौधरी इसका राइट आंसर है। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक का नाम क्या है, तो एग्जिम बैंक, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप बहुत सारे लोग, लगभग आप में सभी लोग इसको जानते होंगे। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 के कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक सिंगापुर में किया गया? तो ये इसका जो संस्करण था, ये 11वां संस्करण था, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, एशिया क्लीन एनर्जी समिट जो सिंगापुर में आयोजित हुआ 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक, ये इसका 11वां संस्करण था। तो ये प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक या फिर जीवनी रतन टाटा और लाइफ, जिसे कि हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है, के लेखक निम्न में से कौन है? ये इनकी बायोग्राफी है, और आपको बतला दूं यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं रतन टाटा और लाइफ, इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया, इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, रतन टाटा सर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जब इनका निधन हुआ था तो हमने क्लासेज में चर्चा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कराया गया है इसी, मतलब कि इसी महीने में, अक्टूबर महीने की ही बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी हस्ती थे भारत में, और ऐसे में यहाँ से एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मान के चलिए एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, और वो चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं। तो ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है, ये आयोजन होना है चंडीघाट हरिद्वार में, अतः विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, चंडीघाट हरिद्वार उत्तराखंड में इसका आयोजन होना है, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि भारतीय विदेश सेवा की 1992 बैच की अधिकारी नीना मल्होत्रा को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं? तो राइट आंसर होगा स्वीडन में, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपेक्षाकृत एक्सप्लेनेशन कम था, लेकिन आगे क्लासेस में हम चीज़ों को पुनः से एकदम पुराने पैटर्न पे आपको बतलाएंगे। ठीक है, कुछ काम था और बहुत ज़रूरी काम था, जिस वजह से इस तरह चीज़ें, मतलब यहाँ पर शॉर्ट में आपको बतलाना पड़ा। मैं चाहता तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कीजिए, लेकिन हमने प्रयास किया कि बहुत सारी जानकारी इसमें हम सम्मिलित करें। ठीक है, अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। आप ही लोग तो बोल रहे थे कि सर इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, तो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि 70 फॉलोवर्स यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो सर्च कीजिएगा संकेत सर बिहार, आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो का प्रश्न है, सितंबर 2024 की कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? ये जानकारी आपको दी गई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो ऑफर को लेकर जानकारी हमने दी थी, यही वाले कोर्स में वो ऑफर है, इसी कोर्स में आप लोग कूपन अप्लाई कीजिएगा deep70, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका कूपन कोड है, 4 नवंबर 2024 मध्य रात्रि तक ये वैध है, उससे पहले आप सभी लोग इसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।